मैंने उस शख्स की जुबान काट ली और उसे घर ले जाकर मसालों के साथ खाया। ये शब्द एक आदमखोर के हैं जिसे इंसानों का मांस खाना पसंद आता था। आप हैरान तब रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस आदमखोर के पास पहुंची तो बिना झिझक उसने स्वीकार किया कि मुझे इंसानों को मारना बेहद पसंद है। दरअसल इंसानों के मांस के शौकीन इस रूसी नागरिक का नाम येगोर कोमारोव है। ये जालसाज और खूंखार अपराधी शायद कभी गिरफ्तार भी ना होता अगर रूस के खूबसूरत छोटा वाला शहर में उसके कार का एक्सीडेंट ना हुआ होता। कार का टकराना भर था कि कोमारोव नामक अपराधी अपने साथियों के साथ फरार हो गया। उसके भागने की वजह थी कार में पड़ी कुछ ऐसी चीजें जो उसकी पोल खोल सकती थी। हालांकि कार के टकराने के बाद जैसे ही मौके वारदात पर पुलिस पहुंची तो पुलिस भी कार को देखकर भौंचक्का रह गई। पुलिस को कार में एक लाश कटे हुए सर के साथ मिली, जिसकी तलाशी के बाद पता चला कि सर पहले से ही अलग था जो एक्सीडेंट के बाद कार के नीचे गिर गया था। इन सब के बाद रूसी पुलिस ने छानबीन शुरू की और मुख्य आरोपी येगोर कोमारोव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आदमखोर ने बेबाकी से यह भी स्वीकार किया कि उसने 38 साल पहले एक शख्स का मांस खाने के मकसद से उसका कत्ल किया था। उसके कत्ल के बाद उसने उसका सर काटा और खून भी पिया और फिर उसका मांस खाया। आदमखोर ने कहा कि मुझे उसकी नसें खाने में पसंद नहीं आई। साथ ही आदमखोर ने इस बात को लेकर भी पुलिस कर्मियों को सतर्क कर दिया कि वे पूछताछ के दौरान उसके हाथ बांध ले, वरना वे उन्हें भी खा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।